पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने किया बड़ा ऐलान। पूर्वांचल के इस बाहुबली नेता ने कहा बंद करो पूजा पाठ, रामलीला कांवड़ यात्रा के नाम पर चंदे मांगना। पूजा के नाम पर चंदे मांगने गए लड़कों के साथ किया ऐसा व्यवहार, हर कोई है हैरान। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आपको बता दें कि लक्ष्मी पूजा के नाम पर कुछ लड़के चंदा मांगने पूर्व सांसद के पास गए, जिसके बाद उन्होंने चंदा देने से इनकार कर दिया और कहा कि बंद करो या पूजा पाठ के नाम पर चंदे मांगना। तुम लोग जाकर पढ़ाई लिखाई करो, अपना रोजी रोजगार करो, अपने खेत में काम करो। पढ़ाई लिखाई में अगर कहीं दिक्कत आती है उसके लिए मदद मांगो, मैं तुम्हें 150,000 रुपये दूंगा, लेकिन दुर्गा पूजा, कांवड़ यात्रा, लक्ष्मी पूजा के नाम पर किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा। और उन सभी लड़कों को एक एक सेट पैंट शर्ट का कपड़ा दिलाया और कहा कि जो गरीब परिवार से है अगर वो पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, पैसे की कोई कमी है तो मैं उसकी आर्थिक मदद करूँगा। उन्होंने कहा कि जो भगवान अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता उसकी संविधान रक्षा कर रहा है, वह तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही पूजा है, इसलिए अपने कर्म की पूजा करो, अपने खेत की पूजा करो, अपने बिजनेस की पूजा करो। रामलीला के नाम पर, कांवड़ यात्रा के नाम पर, लक्ष्मी पूजा के नाम पर, दुर्गा पूजा के नाम पर चंदे मांगना बंद करो। इसके बाद सभी युवकों ने प्रण किया कि आज से वह लोग सारे पूजा पाठ बंद करेंगे और पूजा पाठ के नाम पर कभी भी कोई चंदा नहीं मांगेंगे और लोगों को जाकर समझाएंगे कि शिक्षित बने, पढ़े लिखें, तभी देश और समाज का भला होगा। पूजा पाठ से किसी का कुछ भला होने वाला। देखिए, आज हमारे पिछड़े और दलित समाज के बच्चों ने मेरे यहाँ लगभग 10-15 की संख्या में आए और पूजा के लिए कि लक्ष्मी पूजा करना, सरस्वती पूजा करना, दुर्गा पूजा करना, इसके लिए मुझसे उन्होंने चंदा मांगा। मैंने उन बच्चों से कहा ये पूजा करने से कुछ नहीं होना, क्योंकि हमारा भगवान जो है मंदिर में आता, खरीद कर आता है, चोर उखाड़ ले जाता है, तो उसकी रक्षा केवल हमारे देश संविधान करता है। आप कर्म करो। मैंने कहा चंदे पूजा का चंदा नहीं लूंगा, तुम शिक्षा लेते हो, परिवार के गरीब हो, तो जो भी 150,000 रुपया शिक्षा लेने में पढ़ाई में लगता है उसको देने की तैयार है, देते हैं। उन बच्चों को मैंने आज पूजा का चंदा न दे करके मैंने कहा बल्कि तुम लोग बच्चे हो, पढ़ रहे हो, एक एक पैंट और शर्ट में जो जो बच्चे आए थे 10-15 की संख्या मैंने सबको दिया, लेकिन पूजा मैंने मजबूती से कहा कि हाथ से पूजा बंद करो, कांवड़ ले जाना बंद करो, दुर्गा पूजा बंद करो, रामलीला बंद करो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही कर्म की पूजा करो, तो मैंने कहा कर्म की पूजा करो, अच्छी शिक्षा लो, आगे बढ़ो, पूजा करना तो अपने किताब की पूजा करो, अपने खेत की पूजा करो, अपने बिजनेस की पूजा करो, अपने माँ बाप की पूजा करो, उससे समाज आगे बढ़ेगा। इन बच्चों ने जो मैं समझाया, इन बच्चों के समझ में आया, बच्चों ने ये प्रण किया कि हम लोग पूजा नहीं करेंगे, अब कर्म पर विश्वास करेंगे, शिक्षा लेंगे, अपनी खेती भी अच्छी करेंगे, अपना बिजनेस भी अच्छा करेंगे और शिक्षा लेने के लिए सबको मजबूर करेंगे, बात करेंगे, सब लोग अच्छी शिक्षा लीजिए और आज से रामलीला हो या कांवड़ लेकर जाना हो या दुर्गा पूजा करना हो, हम सब लोग बहिष्कार करते हैं और सबको समाज में समझाएंगे कि पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम शिक्षा नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज मैं